हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ये अपना एक फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है PNF का, उसको कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसका इनपुट आउटपुट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये PNF का एक यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है, जिसका जो पार्ट कोड है वो KFD2-UFC-1.D है। हजार्ड एरिया के लिए यूज नहीं होता है, ओके। ये नॉर्मल कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं हम। ये हमारा फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर हमने यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ये एक सेपरेटर है, गैस सेपरेटर, उसमें हमारा जो मोटर है, मैं आपको पहले मोटर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा मोटर है सेपरेटर का, जिसका जो RPM है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसमें अभी दिखाई दे रहा होगा शायद 3550 है। और इसका जो बॉल का स्पीड है, जो आप यहाँ पे देखोगे, बॉल का स्पीड जो हमारा 7600 है, आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। तो इसमें कैसे हमारा जो मोटर है उसका RPM कम है और इसका बॉल का RPM ज़्यादा है, तो हमको एक्चुअल RPM देखने के लिए हमने वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर लगा। तो इसका हमने एक्चुअल RPM देखने के लिए फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर लगाया हुआ है। इसमें इनपुट में हमने ये उसका जो बॉल का साफ्ट है वहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ है एक, उसको हमने यहाँ पे इसके इनपुट में कनेक्ट किया है 103 में, और उसके हिसाब से हमने इसको इनपुट कन्फिगर किया हुआ है। और इसका जो आउटपुट है हमने यहाँ पे अपने VFD को लिया हुआ है और इसमें PLC को भी लिया हुआ है इसी के थ्रू। तो इसको कैसे आपने सिलेक्ट करना है इनपुट आउटपुट को, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चार बटन है और एक RS232 का पोर्ट भी है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है PNF का, तो उसमें आप ये कनेक्ट करके इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ऑनलाइन लेके, या तो फिर आप यहाँ पे चार बटन यहाँ पे हैं, इन चार बटन के थ्रू भी यहाँ पे आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दो बटन अप एंड डाउन के लिए, एक इंटर करने के लिए मेन मेनू में जाने के लिए, और ये एस्केप होने के लिए। तो अगर आपको इसमें प्रोग्राम मोड में जाना है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली साथ में प्रेस करना है। अभी अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम मेन मेनू में इंटर हो गया हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। सबसे पहले आपका यूनिट आएगा, इनपुट है, आउटपुट है और सर्विस है। आपको मैं दिखा दूँ यूनिट में जाने के लिए, आपको इंटर करने के लिए आपको ओके करना है। यूनिट मैंने यहाँ पे RPM रखा, क्योंकि मुझे RPM यहाँ पे काउंट करना था। इसको आप चेंज करना चाहें तो अभी चेंज कर सकते हैं हर्ट्स में भी, तो मुझे RPM ही करना है, इसलिए मैं RPM ओके कर दिया, एस्केप कर दिया। फिर इनपुट सिलेक्शन के लिए आपको सेम ऐसे एंटर करना है यहाँ पे। अभी लाइन मोनिटरिंग में क्या रखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे। लाइन ब्रेक का हमने अभी यहाँ पे इनेबल्ड किया हुआ है इसको प्रोटेक्शन के लिए। अगर इसको मैं लाइन हमारा ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट चेकिंग के टाइम में यहाँ पे अलर्म आ जाएगा। स्मूथनेस यहाँ पे अभी हमने 2 सेकंड रखा हुआ है। पल्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है इसका, तो जो मैंने आपको दिखाया प्रोक्सिमिटी का, 2 पल्स पर यूनिट काउंट करेगा। एक बार पल्स आएगा तो इसको 2 में काउंट करेगा। तो हमारा जो अभी मोटर 3500 का है, तो उसको 7600 के अराउंड ये काउंट करेगा। 3550 का था हमारा, तो हमारा जो बॉल का स्पीड था वो 7600 का था, उसके हिसाब से इसको डबल काउंट करेगा। आउटपुट में हमने रिले लिया हुआ है इसको, लाइन स्विचिंग के लिए यहाँ पे देख रहे हैं हमने रिले भी इसका यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी इसको कॉन्फ़िगर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।